अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे एयरपोर्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि एयरपोर्ट जो है खुलने वाला है जुलाई में, एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक में, लेकिन 15 जुलाई से इंशाल्लाह पहले खुलेगा। दुआ तो करते हैं किसी वीकेंड पे अनाउंसमेंट हो जाए, यकम जुलाई या पहले वीक में ओपन हो जाए कमर्शल फ्लाइट। हदायत जो है वो जारी है, नई जितनी भी हदायत आ रही हैं सेफ्टी के हवाले से, तो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स जो हैं वो भी बंद करने का ऐलान किया गया कि एयरपोर्ट पर अब जितने भी ई गेट्स हैं, यानी जहां हम अपना बताका लगाते थे या बोर्डिंग पास, तो गेट खुल जाता है और आप आगे चले जाते हो। आपको कहीं काउंटर पर रुक के जो है बोर्डिंग के लिए एग्जिट की स्टैम्प नहीं लगवाना पड़ती। अब जो है वो ई गेट जो बंद कर देंगे, आपको मैनुअली जाना पड़ेगा काउंटर के ऊपर, लेकिन सेफ डिस्टेंस रखते हुए। और सिर्फ काउंटर के ऊपर जब आप पिक्चर अपनी शिनाख्त के लिए पिक्चर बनेंगे, वहां पर आपने मास्क जो है वो हटाना है। बाकी आपने थ्रू आउट जब एयरपोर्ट पे एंटर होंगे आपने मास्क पहने रखना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कल के दिन के सेफ्टी मेजर्स के हवाले से, और कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, जैसा कि लगेज जो है वो सिर्फ हैंड कैरी अभी तक अलाउ किया गया है कि जितने भी लोग जा रहे हैं सफर करेंगे वो उनको हैंड कैरी की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर अवाम का बड़ा सख्त रद्दअमल है। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग बहुत सारे लोग जो परमानेंट छोड़कर जा रहे हैं, वो अपना सामान ज़ाहिर उनके पास उनका अपना जाती इस्तेमाल का सामान होगा, कीमती अशिया भी होंगी, सो वो 8-7 kg के लगेज में क्या लेके जा सकते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह जब फाइनल डिसीजन होगा तो मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि आया वो अलाउ करते हैं या नहीं करते। इंशाल्लाह खैर, ये थी एक नई खबर के ई गेट्स हैं एयरपोर्ट पर बंद कर दिए गए हैं। अब होपफुली उम्मीद है कि एयरपोर्ट जो खुलने के करीब करीब है, इसलिए डेली कोई ना कोई नई से नई अपडेट्स आ रही है। दुआ करें कि जल्द एयरपोर्ट खुले और वो तमाम लोग जो इंतजार में बैठे हैं और पिछले कई महीनों से बेरोजगार भी हैं, अल्लाह ताला उनको एक तो खुश रखे, उनको अच्छी सेहत दे, पहले से ज्यादा अच्छा कारोबार और रोजगार अता करे, और वो जल्द से जल्द अपने फैमिली मेंबर्स घर बार में पहुंच जाए। दुआओं में याद रखेगा, हमेशा अपना ख्याल रखें, हमेशा सबकी खैर मांगे और जितना मुमकिन हो सके सेहत का ख्याल रखें। दुआ करते रहें, इंशाल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।